हेलो गाइस, माय नेम इज़ सूरज कुमार गुप्ता और मैं नया हूँ यूट्यूब में। मैं पेंटिंग्स करता हूँ। आपको अगर किसी भी चीज़ को, किसी भी टॉपिक पे पेंटिंग्स चाहिए हो या फिर कोई भी चीज़ आपको हेल्प चाहिए हो मेरे से, आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। आज हम लोग एक पेड़ बनाने वाले हैं, एक वाटर कलर ट्री, जो आप इन चीज़ों से, इस कलर से बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो एक नॉर्मल से ट्री ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने एक ट्री ड्रॉ कर ली। अब हम दो नंबर तुली लेंगे और पैलेट में हम लोग सबसे पहला काम करेंगे, हम लोग जो लेमन येलो है उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, सबसे पहला स्टेप है लेमन येलो को हमें पूरे ट्री में लगा देना है। अब हमें इसे सूखने से पहले ये कलर लेके पैलेट में लेना है और इसे जिस तरीके से आपने येलो को यूज़ किया है सेम तरीके से ग्रीन कलर को भी यूज़ करना है, लेकिन जितना आपने येलो को लगाया उतना नहीं लगाना है, आपको बीच बीच में कहीं कहीं पे उसे यूज़ करना है, कुछ इस तरह। ये मिलाने के बाद जहाँ जहाँ पर येलो दिख रहा है वहाँ पे एकदम ब्रश को भिगो कर हमें बस थोड़ा थोड़ा इस तरीके से करना है, थोड़ा थोड़ा बस इसे मिलाना है इस तरीके से। इससे अच्छा इफेक्ट आएगा। मुझे वाटर कलर पेंटिंग्स बहुत पसंद है क्योंकि इसमें मिक्सिंग बहुत अच्छा होता है। और भी बहुत सारी तरीके पेंटिंग्स मुझे आती है, जैसे जैसे मुझे लगेगा कि आप लोगों को ज़रूरत है मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। ये लुक कैसा लग रहा है? अभी पेन में बहुत कम बाकी है तो अब हम लोग डीप ग्रीन लेंगे। ठीक है, इसे भी सेम तरीके से यूज़ करना है, लेकिन इसे उतना भी नहीं लगाना है जितना सबको लगाया है। इसे बस हमें इस तरीके से यूज करना है। इस तरीके से आपको इसे मिला देना है। तो अपने तीन कलर का काम हो चुका है। ठीक है, अब अपने वापस थोड़ा लेमन येलो लेंगे और उसे थोड़ा इस तरीके से यूज करेंगे। हाँ, तो इतना काम हमारा ख़त्म हुआ। अब हमें पेड़ का तना बनाना, उसके लिए हमें थोड़ा ये कलर चाहिए और इसमें थोड़ा हमें ब्लैक मिलाना है। इसे इस तरीके से लाना है। इसे हम पूरा नहीं मिलाएंगे, इसमें हम वाटर कलर है, वाटर कलर में अब हमें थोड़ा इसके साथ थोड़ा पानी भी मिलाना होगा। थोड़ा क्रिएटिव दिखाने के लिए हम थोड़ा ब्लैक लेंगे और थोड़ा यहाँ से आउटलाइन के तरीके से कर देंगे। हम थोड़ा वाइट लेके
यहाँ से थोड़ा ऐसे और थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे क्रिएटिव दिखाने के लिए कर सकते हैं। थोड़ी और क्रिएटिविटी करते हैं और यहाँ पे एक वापस थोड़ा वाइट लेके हम इस जगह पे यूज़ करेंगे। इस तरीके से हमें थोड़ा पुशन ब्लू लेना है, ठीक है, और इस नीचे के पार्ट में उसे लगाना है इस तरह। ये अभी भी इसमें एक काम बाकी है जो होने के बाद ये परफेक्टली कंप्लीट हो जाएगा। वो क्या है, पेड़ के बीच से कोई तना वना निकला ही रहता है, तो अपने ब्लू ब्राउन लेंगे या फिर पहले जो आपने तना बनाया वो कलर भी ले सकते हो, और ले के एकदम महीन काम करना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपका पेड़ पूरी तरीके से तैयार है।